We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. है ना ऋषभ? बोलो Happy New Year. आने वाला है. Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another blog. तो शाम के बज रहे हैं 5:30 बजने जा रहे हैं अभी और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, अराउंड 19 डिग्री सेल्सियस. तो प्रिशा का जो आज ड्रेसअप हुआ है कुछ ऐसा, अतरंगी बनी हुई है, पिंक फ्रॉक, ऊपर से ब्लू स्वेटर, इसके अंदर इसने एक और ड्रेस और दो दो कैप पहना है इसने. इनफैक्ट दो सॉक्स भी है. प्रिशा दिखाओ, ये देखो आप, दो सॉक्स है इसके पैर में. गुड, पैर उठा के दिखा रही है. तो बहुत ज़्यादा ठंड है. मेरे फ्लोर पे एक चीज़ सही है कि ये कांच लगा हुआ है इसे, और इससे ज़्यादा ठंड नहीं आती है अंदर. कपड़े अपना बाहर सूखते रहता है. तो बाहर का मौसम आप देखो. तो ये है कबूतर के जोड़े और ये हमेशा यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं मेरे एसी के ऊपर. यहाँ पे इन्हें अपना घर बना रखा है. जब तक मैं ये कपड़े उठा रही हूँ तब तक मैं इसने इतना तहलका मचा रखा है अंदर, मतलब बिल्कुल भी इसे नहीं रहना है. मेरे को 5 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं होने देती है. कहाँ गई थी? मैं कपड़े नहीं उठाऊं? डैडी का शर्ट सूख गया ना, रखना है ना उठा के. जब तक ये सोएगी नहीं और या जब तक नितेश आके इसे गोद में नहीं लेंगे तब तक मुझे इसके पास ही रहना पड़ता है. बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो सकती हूँ. अगर मुझे कपड़े उठाने बाहर जाना है तो प्रिशा मैडम को वीडियो कॉलिंग करके लगा के देना होता है. कैमरा देखेगी, हूँ स्टार्ट हो जाता है इसका. देखती हूँ आगे कितना बोलती है कैमरे पे. ये मम्मा को तो सोने दिया नहीं, आपने खुद सो गए बस. हूँ क्या होता है, परेशान कर दिया आपने. अभी गोद में आना होता है इसे शाम को, क्योंकि शाम को इसे घूमना होता है इधर उधर. हाँ प्रिशा, कहाँ जाना है घूमने बता. मामा कहीं इधर उधर तो लेके जा नहीं सकती है आपको. चलो यहाँ से किचन तक घूम लो. धनिया पत्ता रखा हुआ है, इसे साफ करना है और उसके बाद इसकी चटनी बनानी है. कर लोगे आप? हो जाएगा आपसे ये सब? बोल रही हाँ ऐसे से. कर लेगी ये. अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, ना कोई काम करना पड़ेगा, सब कुछ प्रिशा कर लेगी, सारा काम प्रिशा. मंदिर में दिया जलाना है, आपको जय जय करनी है, ठीक है? सारा काम मैं आपको बता देती हूँ. तो आप बड़ी हो गए हो ना, आपको बेड पे रहना नहीं है, कंबल के अंदर नहीं रहना है, आपको काम करना है. अरे रे रे रे, चलो टिप्पर. चलो चलो टिप्पर. गुटु गुटु गुटु. अब तो चलने लग गए. टिप्पर 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 चलने लग गए प्रिशा. डैडी आ गए. चलो 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 चलो, गेट खोलो गेट खोलो. बना वो जब कैमरा चलेगा ना तो वो किधर भी नहीं देखेगी. आओ देखो, मतलब इससे ना कुछ बोलना चाहिए, मुंह बना के ही समझती है ये. हाउ्स द डे बेटा? अरे पे तेरे, इसको अतरंगी तुमने क्यों बना रखा है भाई? जो जो मिलेगा सब पहना दोगी. अभी तू आपको अतरंगी बना दिया मम्मा ने, अतरंगी बना दिया. मैं और नितेश हम आए हुए हैं यहाँ पे कुछ काम से प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में, और रेंट पे रूम देखने के लिए. और नितेश बाहर गए हुए धूप लगाने के लिए, मेरे को भी आवाज़ दे रहे तुम भी आ जाओ बाहर धूप लगा लो. तो प्रिशु भी आई है. घूमी घूमी डेली के मौज है ना, चलना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है. पापा की गोद में लटक गए गाड़ी के जैसे. आज है 25 दिसंबर, सो आज है क्रिसमस. तो फर्स्टली मैरी क्रिसमस टू यू ऑल. एंड मैं और प्रिशा हम दोनों ने रेड ब्रेड पहना है. दिखाओ प्रिशु, इसने भी रेड पहना है पूरा सेट ऊपर से नीचे. मैं पिछले साल से मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है. पिछले साल मैं ऐसे खुद ही घूमने में लगी थी बच्ची बन के और खुद एक्साइटेड थी क्रिसमस को लेके. बट इस बार एज अ मदर, और जैसे हर माँ होती है अपने बच्चे को लेके कॉन्शियस, वैसे ही मैं भी थी कि हाँ मैं अपनी बेबी को क्रिसमस वाले दिन रेड ड्रेस पहनाऊँगी, ऐसे पिक क्लिक करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, घूमने जाऊँगी. बट मैंने अपने आप के अंदर इतने सारे चेंजेस देख रही हूँ. इनफैक्ट मेरे ही अंदर नहीं, मेरे हस्बैंड के अंदर भी बहुत चेंजेस आया है. पहले से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं पहले के मुकाबले. वैसे वो रिस्पॉन्सिबल पहले भी थे लेकिन अब डबल हो गए हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे एक बार को किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं बट अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़. तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ टचवुड ऐसे ही रहे हमेशा. वुड कहाँ है? टचवुड.
अरे प्रिशा मुझे ब्लॉगिंग करते हुए हमेशा देखते रहती है कि मम्मा क्या कर रही है, ये वीडियो अगर बना रही है तो मुझे क्यों नहीं उसमें क्लब कर रही है, हमेशा तो मुझे क्लब करती है। तो जितने भी मैं वीडियो बनाऊँ पिक क्लिक कर उसमें प्रिशा को आना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो वहाँ से चिल्लाती रहती है आ, आ। और मैंने पहना है रेड एंड ब्लैक, और अभी बाहर जाने के टाइम पे एक जैकेट बस डालना है और जाना है बाहर। तो हाँ हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए क्योंकि हम पूरे दिन कहीं नहीं गए क्रिसमस पे। तो नितेश ने बोला कि मैं आ रहा हूँ तुम लोग रेडी रहना, चलेंगे कहीं पे। तो वो बोल रहे थे कहीं बाहर कुछ खावा के आएंगे, बट मैंने बोला पहले तो चलेंगे चर्च और उसके बाद पता नहीं यूपी में तो शायद नाइट कर्फ्यू लग गया है बट दिल्ली का अभी कुछ ऐसा अपडेट नहीं है, तो इस वजह से हम जा रहे हैं बाहर, देखते हैं कि कैसा है माहौल। केस तो बढ़ने लग गया है, मन तो नहीं कर रहा है जाने का, बट प्रिशा का फर्स्ट क्रिसमस है तो सोच रही इसे तो थोड़ा सा ब्लेसिंग दिलवा दूं जाके चर्च में। ये माँ बेटी जो ऐसे प्लान बना के रेडी थी कि जाना है घूमी घूमी, और घूमी घूमी जाने को मैंने कर दिया पोस्टपोन क्योंकि कोविड जो है सो बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार है और नाइट कर्फ्यू यूपी में लग चुका है और दिल्ली में भी 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगने वाला है सुनने में, तो इस वजह से मैंने इसे मना करा है। तो मैडम जी का मुंह जो है ऐसे ऐसे हो रहा है। दूसरी बात यह है कि प्रिशा भी रो रही है, तो तबीयत खराब हो सकता है, रात को नहीं जाना चाहिए बाहर मुझे जहां तक लगता है। जाना घूमी घूमी जाना, आपको बताओ जाना नहीं जाना? प्रिशा बोल रही है जाना है तो देख लो, नहीं थोड़ा सा रिस्क अभी तुम जाओगे फिर बोलोगे, बोल रहे हो 11 बजे बंद हो जाएगा सब कुछ। हाँ 10 बजे गया, 1 घंटे में फिर जाने आने में भी टाइम लग जाता है। ठीक है ना, नहीं अब नहीं जाऊंगा, जाना है तो चलो, लेकिन मैं बस वही लेके ठीक है कोई बात नहीं चलो। अरे ऐसे नहीं गाना, ऐसे गाया जाता है जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा लोटा लेके भागेला, पीशु बेटा अगले साल घूमने जाएंगे, अगले साल घूमने जाएंगे। विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। है ना बोलो हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, उससे पहले मम्मा पापा का एनिवर्सरी और मेरा 5th month बर्थडे आने वाला है। तो फाइनली हमारा जाना कैंसिल हो गया है बिकॉज ऑफ प्रिशा बहुत रो रही है, और नितेश चले गए हैं नीचे दूध लाना भूल गए थे तो दूध लाने के लिए। तो इस व्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बोलो प्रिशा वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।